तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर्स है आइए देखते हैं इस वीडियो में। वैसे गाइस इन चारों रेसलर में से आखिर किसका रिटर्न होगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। उसके बाद नेक्स्ट अंडरटेकर इस समय वर्ल्ड वाइड पे नंबर 1 पे चल रहे हैं, आखिर किस मामले में आइए देखते हैं इस वीडियो में। बात गाइस ये WWE का जो वायरल फोटोज है इसको किसी ने खींच कर यहाँ पर अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पर, आखिर इस पर WWE का क्या रिएक्ट आया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेथ रॉलिंस का कब रिटर्न होगा, उनको WWE से ऑफ हुए काफी समय हो चुके, आखिर फाइनली उनका रिटर्न कब होने वाला है। तो गाइस क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे इतिहास रच चुके हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कोडी रोड और सोलो सिको को लेकर। वैसे गाइस इस बार का जो स्मैकडाउन है इन्हीं के मैचेस से स्टार्ट होगा। यहाँ पर इनका मैच जो कि अनाउंस किया गया हेल इन अ सेल में कोडी रोड वर्सेस यहाँ पर सोलो सिको के बीच। वैसे गाइस इस मैच में यहाँ पर रोमेज का तो 100% रिटर्न होने वाला है, उसके साथ साथ देखना ये होगा कि आखिर जिमी उसो या फिर दीरॉक का रिटर्न देखने को मिलता है। वैसे गाइस यहाँ पर रोमन रेंस, दी रॉक और जिमी उसो को लेकर काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि इनमें से किसी न किसी का रिटर्न तो होने ही वाला है आज के स्मैकडाउन पर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट रूमर है यहाँ पर रोमेज को लेकर। रोमेज जो अपना अगला मैच यहाँ पर कंप्लीट करने वाले वो करेंगे यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज में, और गाइस ये मैच जो की होगा आपको देखने को मिलेगा नवम्बर में। हालांकि गाइस रोमेज अपना लास्ट टाइम जो मैच रेसल किए थे वो रेसलमेनिया में किए थे, उसके बाद से अभी तक एक भी मैच यहाँ पर रेसल नहीं किए हैं रोमन रेंस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे शख्स बन चुके हैं जिनका यहाँ पर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फैंस फॉलोइंग है, तो भी गाइस 1 बिलियन से भी ज्यादा। वैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा उनकी फैंस फॉलोइंग है 639 मिलियन। उसके बाद गाइस अपन नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर सेथ रॉलिंस को लेकर। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 महीने बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, वो भी हो सकता है कि यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज में ही इनका रिटर्न देखने को मिले। उसके बाद गाइस यहाँ पर स्मैकडाउन में इस बार काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस बार का जो लोगो है वो भी यहाँ पर ऑफिशियली चेंज हो चुका है। लोगो के साथ साथ इस बार यहाँ पर जो स्मैकडाउन का थीम सॉन्ग था वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर दी अंडरटेकर को लेकर। हालांकि गाइस इस समय अंडरटेकर का जो पॉडकास्ट है वो काफी ज्यादा ही वायरल हो चुका है। उनका इस समय USA में नंबर 1 चल रहा है और वर्ल्ड वाइड पे देखा जाए तो नंबर 4 पे चल रहा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्या आप इस रेसलर को चेन आखिर ये कौन सा रेसलर है, और ये कोई नहीं बल्कि यहाँ पर बटिस्टा ही है। ये गाइस जब बटिस्टा 16 साल के थे तो कुछ इस प्रकार इनकी बॉडी हुआ करती थी। और गाइस स्मैकडाउन को लेकर एक और न्यूज है, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट 30 मिनट होगा 3 घंटों में से स्मैकडाउन पर 30 मिनट फ्री होगा। मतलब कि 3 घंटे का जो शो होता है स्मैकडाउन पर आप 30 मिनट उसमें फ्री देख सकते हैं किसी भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर, किसी भी वेबसाइट पर, चाहे वो Sony 10-1 हो या फिर Netflix हो या फिर कोई भी Sony Sport Fox 1 पर। बात गाइस फाइनल लास्ट अपडेट है यहाँ पर बॉबी लास्टली को लेकर। बात गाइस यहाँ पर बॉबी लास्टली अपने बारे में बताते हैं कि ये इनक्रेडिबल कैरियर था उनके यहाँ पर जिंदगी का, अब ये लास्ट ओवर हो चुका है। यानी को यहाँ पर बॉबी लास्टली कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है अपने सोशल। गाइस यही रहे आज के सारे अपडेट न्यूज और रूमर्स जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।